दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, हर कोई भी हमसे जीता नहीं। क्या सवाल था नबी के ऊपर से? मिलाद नबी 12 रबीउल अव्वल को जो जुलूस निकलता है, मिलाद मनाया जाता है, ईद मनाई जाती है, उसके ऊपर से आप बहुत अच्छी दलील देते हैं। हाँ, बस उसी के लिए कॉल लगाया था कि क्या क्या दलील देते हैं आप? दलील ये है कि जहाँ पर लिखा है कि जो इस्तेमाद वगैरह होते हैं ना, तबलीगी इज्तम होता है, अहले हदीसों का इज्तम होता है, तो वहाँ पर जो जुलूसों की शक्ल में जाते हैं ना लोग, ट्रक भर भर के, ट्रेन भर भर के, जो जो किताब में वो लिखा है वैसा करना, उसी किताब में ये भी लिखा है। ये दलील है। कौन सी किताब में? अब ढूंढना पड़ेगा कि भाई वो जब अहले हदीसों के इज्तम होते हैं, वो जब तबलीगियों के इज्तम होते हैं, तो जो लोग जाते हैं ना जुलूसी की शक्ल में, तो पहले वो जब जाना हदीस में देखना पड़ेगा ना। अच्छा। हाँ, फिर उसके आगे वाली हदीस में ये वाला मिलाद का जुलूस मिल जाएगा। तब उन लोग पहले हदीस या जमात वाले जो भी दिन मुतय्यन करके थोड़ी करते हैं, ये दिन मुतय्यन है, उस दिन बिल्कुल निकालना ही है, है ना। तो पहले हदीस जो कॉन्फ्रेंस होती है, फिर फतवे भी नहीं लगाते वो, मिसाल तेरी पहल पहल कर। वो तो भाई अहले हदीसों के एक मौलवी साहब है, उन्होंने लिखा है, गालिबन सिद्दीक हसन भोपाली साहब है, उन्होंने लिखा है कि जो मिलाद पर खुश ना हो जी, वो मुसलमान है ही नहीं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास और आपके जो कोई दलील नहीं है क्या, जो और हदीसों का और जो जमात वालों का सहारा लेना पड़ रहा है, और जो मिलाद पर दुखी हो, तो वो तो बिल्कुल शैतान है। कि हुजूर की मिलाद पे दुखी होने वाला, गम मनाने वाला, तो शैतान ही हो सकता है ना, मुसलमान कहाँ हो सकता है? अरे ये तो बहुत दूर की बात हो गई। अच्छा, कौन अब गम मना रहा है, कौन? बात ये हो रही है कि आप जो अमल कर रहे हैं उसकी दलील क्या है आपके पास? यही तो दलील है जो बताया आपको मैं। क्या दलील? ये कोई दलील थोड़ी हुई, तो मुंह की पचपच हुई बस। अच्छा, तो मतलब आप जो करें, जो भर भर के जो बिदतें करें, समंदर भर भर के जो बिदतें कर लें आप, उसके लिए आपको दलील की जरूरत ही नहीं है? यानी ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये ईद मिलाद नबी बिदअत है? हमने तो नहीं कहा। तो आप ही तो कह रहे हैं कि वो आप जो बिदअत करते हैं, ट्रक भर भर के, हम ट्रक भर भर के बिदअत करते हैं, आप भी बिदअत करने लगे, कैसे करेंगे? आपने ये आपकी बात का मतलब तो यही निकल रहा है? नहीं निकलता है ना। पहले हदीस और जमात वाले ट्रक भर भर के बिदअत करते हैं, इसलिए आपने भी एक बिदअत शुरू कर दी। कैसे बताइए ना, है ना? मिलादुन नबी मनाने को इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जायज लिखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले वाली बात के लिए नहीं, जैसे अगर दलील की बात करें आप, और अहले हदीस फिरका, जैसे अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, 34वीं अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मनाई गई थी लॉकडाउन से पहले तक, तो 34 साल पहले ये बिदअत ही जाती थी। अगर तबलीगी इज्तिमा की बात ली जाए, तो तबलीगी तो 150 साल पहले आए, ये बिदअत चलाएगी। लेकिन जो इमाम जलालुद्दीन सुयूती है ना, कई सौ साल पहले के इमाम, मुल्ला अली कारी कई सौ साल पहले के इमाम जी, हाँ, इन्होंने लिखा है कि मिलाद मनाना जायज है। तो बिदात तो ये है ना, कैसा मिलाद मनाना चाहिए? जैसे हमारे उलमा मनाते हैं। कैसा? ये तो यहाँ तो ये गाने बजते हैं, नाचते हैं, तो निकलती है। तो बरेली शरीफ के जो मौलाना है सबसे बड़े अभी के फिलहाल, मुफ्ती आजाद रजा साहब, वो नाचते है क्या उसमें? नहीं। अच्छा, में से 99% 100 में से 99% 99.9% ये करते हैं, नाचना कूदना, डीजे, नमाज का पता नहीं। कौन सा एरिया आपका? कौन सा? सिवनी। हाँ, सिवनी। सिवनी ये कहाँ पे? सिवनी मध्य प्रदेश। अच्छा, तो मध्य प्रदेश से जितने भी अपने बड़े बड़े आलिम है, वो सब लोग उस जुलूस में आकर के नाचते हैं क्या, गाना बजा बजा के? तो वो सिर्फ आलिम ही जाते हैं उस जुलूस में? अच्छा, तो हम तो उलमा के पीछे चलने वाले लोग हैं ना। अच्छा।
अच्छा, तो यानी हाँ। वो उलमाओं का जुलूस रहता है, बाकी जो रहते हैं वो कौन रहते हैं? बाकी जो मुसलमान नहीं रहते, वो जो नाचते हैं रहते हैं? नहीं, जो नाचते हैं, जो गाते हैं, जो ढोल बाजे बजाते हैं जी, वो हराम काम करते हैं, शरीयत के खिलाफ काम करते हैं। अच्छा हाँ। और ये जो घोड़े में बैठ के जो उलमा निकलते हैं? बिल्कुल, घोड़े में बैठना जायज़ है, हुजूर की सुन्नत है घोड़े में बैठना। अच्छा। देखो, अभी मैंने ये पूछा ही नहीं कि घोड़े में बैठना जायज़ है कि ना जायज़ है। अच्छा। ये किसने पूछा आपसे? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा। ये घोड़े में क्या करने का? वो घोड़े में बैठ के जो निकलते हैं झंडा लेके, अरे आपके उलमा की बात करेंगे हम, उलमा। अच्छा, क्योंकि हम गारंटी उलमा की ले सकते हैं ना, आवाम की गारंटी कैसे लोगे? अच्छा, फिर अभी जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत लोग, क्योंकि बहुत सारे अहले हदीस, बहुत सारे अहले हदीस मैंने की गारंटी, वही बता रहा हूँ, गारंटी क्यों नहीं, आवाम बहुत सारे अहले हदीस मैंने ऐसे देखे हैं जो लोग जिना करते हैं, दारू पीते हैं, चोरी चमारी करते हैं, दाढ़ी मुंडाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारी जमाती भी ऐसे हैं, बहुत सारे देवबंदी भी ऐसे हैं जो दाढ़ी कटाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजे नहीं रखते हैं, नाचते गाते हैं खूब। सर, जुम्मे के दिन ऐलान क्यों करते हो कि चल रहे हैं जो आवाम की गारंटी नहीं लोगे? तो हम लोग कहते हैं कि जो मस्जिद से जो ऐलान होता है, जो मदरसे से ऐलान होता है कि चलना है जुलूस में, तो उस मस्जिद के इमाम साहब उस मस्जिद की जुलूस की कयादत करते हैं, उस मदरसे के जो पढ़ाने वाले उस्ताद होते हैं वो उसकी कयादत करते हैं, और उनके जुलूस में ना डीजे बजता है, ना गाना बजता है, ना वो लोग नाचते हैं। अच्छा, बहुत भोले लग रहा है यार, कौन सी दुनिया में जी रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भोले भाले लोग हैं। सुनिए तो, जब आप अपनी बात में फंसते जा रहे हैं, पहली बात आप उसमें फंसे, जब अहले हदीस और तबलीग बिदत करते हैं ट्रक भर भर के, तो आप भी बिदत करने लगे। पहली चीज सुनो तो, पहली चीज अगर वो लोग इसको बिदत कहते हैं मिलाद को, तो फिर उनके अमल भी बिदत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर उनको नहीं पहुँचता कि दूसरे को कहे कि तुम बिदत कर रहे हो। मैंने तो एक बार नहीं पूछा बोला बिदत, आप अपनी बोले अहले हदीस जो उलमा है वो लोगों का कहना ये है कि मिलादुन नबी मनाना बिदत है। क्यों? क्योंकि सहाबा ने नहीं मनाए, क्योंकि नबी ने नहीं मनाए। अरे अहले, तो फिर हमारा भी यही कहना है कि भाई अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुजूर ने भी नहीं कही किए, और अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में सहाबा भी नहीं गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, और ना देवबंदी इज्तिमा में गए सहाबा और हुजूर, और ना तबलीगी इज्तिमा में कभी गए सहाबा और हुजूर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोले कि हम आवाम की जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर जुमे, फिर मस्जिद से ऐलान क्यों करते हो आप? चलना है, पहुँचना है, तो फिर आशी के रस। अभी हमारी मस्जिद से जो ऐलान होता है, तो हमारे इमाम साहब जुलूस में चलते हैं, हमारे इमाम साहब आगे आगे होते हैं, और जो उनके पीछे पीछे होते हैं हम लोग, तो हम लोग ना नाचते हैं, ना गाते हैं, ना डीजे बजाते हैं, कुछ नहीं करते हैं हम। फारूक भाई, जिन लोगों की आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो फिर उनको बोल क्यों रहे हो कि चलो? अभी आपने क्या बोले, मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। बड़ी प्यारी बात है, जो हमारे पीछे जो चल रहे हैं ना जी, हमारे जुलूस में जो चल रहे हैं, तो उनके जिम्मेदार हम है कि हम हमारे जुलूस में डीजे लगाते ही नहीं, तो वो लोग नाचेंगे नहीं। हम हमारे जुलूस में गाना बजाते नहीं, तो वो कैसे नाचेंगे? वो आपकी जुलूस में कितने किस्म के लोग रहते हैं, ये भी क्लियर करना पड़ेगा क्या? आपकी आवाज शुरू से लेके आखिरी तक नाचना कूदना, ये एक टॉपिक हो गया। तो दूसरी चीज, आपके आलिम, ये आलिम की बात करो, आवाम की बात मत करो यार। आवाम में अहले हदीस आवाम भी ऐसी है जो दारू पीती है, देवबंदी आवाम भी ऐसी है जो दारू पीती है, तो क्या फिर क्या अहले हदीस में दारू पीना जायज हो गया? क्या देवबंदी तबलीग जमात में दारू पीना जायज हो गया? नहीं तो फिर आपको इसकी दलील देना पड़ेगा। करोगे नहीं तो फिर उसको तो दलील देना पड़ेगा ना, इसकी आपको। ये फिर जुम्मे में ऐलान क्यों करते हो कि चलना है? क्योंकि जुलूस में चलना है, इसलिए ऐलान करते हैं कि भाई चलो, हम जुलूस निकाल रहे हैं, हमारे पीछे चलो। तो जो हमारे पीछे चलते हैं ना, वो नाचते हैं, ना गाते हैं, ना ढोल बजाते हैं, ना डीजे लगाते हैं, क्योंकि वो हमारे पीछे चलते हैं ना। इसीलिए कहा गया कि उलमा के पीछे चलो, जाहिलों के पीछे मत चलो, इसीलिए कहा गया है ना। अच्छा, कि उलमा की पैरवी करो आज की तारीख में। अच्छा। अगर हक पर रहना है आपको, तो उलमा की पैरवी करो, उलमा के पीछे चलो, जाहिलों के पीछे मत चलो। तो हम लोग फिर उलमा के पीछे चले ना। अच्छा, और आप लोग जाहिलों के पीछे चले गए। अच्छा, यानी दलील के नाम से आपके पास कुछ भी नहीं है? तो दलील तो फिर हर चीज की चाहिए ना, जैसे अहले हदीस कॉन्फ्रेंस की दलील चाहिए, और तबलीगी इज्तिमा की दलील चाहिए। दलीली अगर चाहिए, तो दलील हमारी भी और तुम्हारी भी, दोनों की दलील होना चाहिए ना। अच्छा, तो ये बताइए
कि नबी की पैदाइश जो है सहाबा के दौर में भी थी। नहीं, पहले ये क्लियर करिए, ये नबी की पैदाइश वाली बात अपन बाद में, पहले ये क्लियर करिए। आप इतना तो मानते हैं ना, जो हमारे उलमा जो जुलूस निकालते हैं उसमें गैर शरी हरकत नहीं होती, ये तो मानते हैं ना आप? अरे टोटल बेहयाई, गलत काम होते हैं, टोटल शीरबाजी, नाचना कूदना। अरे यार, हमारे उलमा के जुलूस में अभी जैसे पिछले साल हमने जुलूस निकाला था, उसमें तो नहीं हुआ था ये सब। कहाँ पर? बम्बई में। अरे हमारे को लगता है पूरे हिंदुस्तान में, बम्बई में, हमारे ये दोनों जगह में हमारे बड़े बड़े जो बड़े बड़े उलमा अभी जुलूस निकालते हैं, हर मस्जिद के इमाम साहब हमारे जुलूस निकालते हैं। वो जुलूस में मैंने ना किसी को नाचते देखा, ना गाते देखा। अच्छा। हाँ, जो इंडिविजुअल जो बिना उलमा के जो ऐसे नौजवान हजरात जो निकाल लेते हैं जुलूस, वो लोग सब गैर शरीयत हरकत करते हैं। जो उलमा के पीछे रहते हैं ना, जो किसी आलिम के जुलूस में रहते हैं, वो लोग नहीं करते हैं सब? नहीं, देखिए ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि नाच गाना नहीं होता, उसको आप नहीं, आप सुनिए तो मेरी बात तो सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, अब उससे थोड़ा हटके बात कीजिए। नहीं, पहले ये तो क्लियर करिए, हमारे उलमा के जो जुलूस है। नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानता। अरे तो आपके मानने नहीं मानने से क्या होता, आप मुझे बताओ कि हमारा कौन सा आलिम है। अरे आप ही तो बोल रहे हो ना, आप बताओ तो मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं मानता। तो बताओ मेरे कौन से आलिम है जिनके सरपरस्ती में जुलूस निकल रहा है और उनके पीछे सब ढोल बाजे बजाए जा रहे हैं, नाचा जा रहा है, एक आलिम का नाम बताओ। नहीं, हमारे सिवनी में तो ये होता है, बताओ। सामने उलमाओं की लाइन चलती है, पीछे नाचना कूदना डीजे पूरे, ऐसा लगता है कि मुसलमान। उलमा के जुलूस की बात कर रहा हूँ मैं, उलमा के जुलूस में। उलमा की तो क्या आलिम लोग जो है वो आलिम लोग जो डीजे लेकर के चलते हैं और बजाते चलते हैं? हाँ, हमारे यहाँ तो यही होता है। अरे हमारे यहाँ तो यही होता है, सुन लो, उलमा चलते हैं। अरे सुन तो लो अल्लाह के बंदे, हमारे यहाँ यही होता है। और तुम्हारे कौन से आलिम मतलब निकालते हैं डीजे, वो बोल रहा हूँ मैं, डीजे कौन से आलिम निकालते हैं? या एक कोई एक पर्सनल एक आदमी होता है, कोई लड़के होते हैं, कोई नौजवान होते हैं, वो लोग डीजे निकालते हैं या उलमा निकालते हैं, वो पूछ रहा था मैं। शहर के जो हैं जाने माने जो बरेली हैं, अलग अलग मस्जिदों के आगे चलते हैं और पीछे आपकी आवाम चलती है। सुन लीजिए एक मिनट, अरे आगे ये तो जो आगे तो ईद के दिन भी आगे आपके उलमा चलते हैं और पीछे औरतें बेपर्दा चलती हैं, ईद की नमाज के लिए जाते हैं ना आप लोग, तो आपके आप नहीं जाते, नमाज नहीं पढ़ते? कौन जाते हैं? अरे आप लोग नमाज नहीं पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते। कहाँ चलती हैं? उलमा के पीछे जो रोड से उलमा चलते हैं ना, उसी रोड से औरतें चलती है, आजू बाजू औरतें बैठी रहती है। अभी बम्बई में तुमको इतनी मस्जिदें बता दूं ना कि अहले हदीस मस्जिद है भाईकल्ला में, आपको मालूम होगा काला पानी। मैं अहले हदीस नहीं हूं वैसे। हाँ। और देवबंदी भी ले लो, देवबंदी मस्जिद भी है। अच्छा। जस मस्जिद के बाजू में बाजार है। अच्छा। हाँ, और वही उसी बाजार में औरतें बिना पर्दे घूमती रहती है। घूमती होंगी तो वो तो फिर आपके उलमा के पीछे चल रहे ना वो लोग, तो आपके उलमा के बाजू में है वो लोग। अरे वो बिना सर पैर की बात कर रहे हैं आप, मेरे को आपकी भी बात बिना अच्छा, सर पैर की है। अगर आप कहोगे कि भाई 10 मीटर का रोड है और 10 मीटर के रोड पे जो चलने वाला है वो सब आलिम की जिम्मेदारी है, और अगर कोई पीछे कुछ गलती करे तो आलिम की जिम्मेदारी है, तो भाई आपकी मस्जिदों के बाजू में जो बाजार है वहाँ पे तो औरतें बेपर्दा घूमती हैं। आप ये बताइए कि नबी के सहाबा के दौर में इतने बार 12 रबीउल अव्वल आया, जब क्यों ये जुलूस डीजे नाचना कूदना ये सब क्यों नहीं? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सहाबा के जमाने में ना ईद की नमाज होती थी जी, तो फिर सहाबा के जमाने में मस्जिद भी थी जी, फिर वो मस्जिद के बाजू में बाजार लगा करके वो गैर महरम औरतें बिना पर्दा के औरतें क्यों घूमती नहीं थी? क्यों तुम लोग घुमा रहे हो बिना तुम्हारी औरतों को बिना पर्दे? औरत मर्द एक साथ एक ही मार्केट में घूम रहे हैं। अभी मैं जिस मार्केट में खड़ा हूँ वो मार्केट पूरा फुल है औरतों से हजरत, और बाजू में देवबंदी मस्जिद है हजरत, हजरत कहीं पहले हदीस मस्जिद है हजरत, बताइए जी कुछ है आपके पास? यही है जो आप सुन रहे हैं। ये क्या है जी? यही कि जो आप लोगों ने आपकी अपनी औरतों को बेपर्दगी से नहीं रोका। अरे खुले आम आप लोगों ने अपनी औरतों को थोड़ी बहुत भी क्या अकल हो, मैं क्या अकल है ना, अकल है तभी तो बात कर रहा हूँ। सहाबा के दौर में 12 रबीउल अव्वल आया तो उन्होंने कब निकाला जुलूस? वही मैं भी पूछ रहा हूँ कि सहाबा के जमाने में दीन का काम वो भी करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अहले हदीस कॉन्फ्रेंस नहीं मनाई, न कभी उन्होंने तबलीगी इज्तिमा किए, न कभी तबलीगी जमात में गए, न सीरतुल नबी के जलसे किए। उन्होंने सीरतुल नबी के जलसे करते हैं आप लोग आपके उलमा? अच्छा, यानी दलील आपके पास कुछ नहीं है? तो यही दलील है
जो आपने मुंह उठा के बोल दी कि 1,00,000 रुपए दूंगा, बिल्कुल देंगे। अगर बिदअत साबित करोगे तो मिलेगा, लेकिन बिदअत कैसे साबित करोगे, किस उसूल से साबित करोगे? अच्छा, मतलब तुम खुद भर भर के बिदअत करोगे और दूसरे के अमल को तुम बिदअत कहोगे? मैं क्या कह रहा हूँ, आप साबित करो ना जो अमल साहबा ने किए क्या ये अमल। अरे अमल बताऊंगा, साहबा ने ना अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मनाए, ना तबलीगी इज्तिमा करे, साहबा ने ये भी नहीं करे। तो अगर तुम मिलाद को बिदत करते हो तो तबलीगी इज्तिमा भी बिदत हुआ, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस भी बिदत हुई, जो सीरतुल नबी के जलसे आप लोग करते हैं वो भी बिदत हुए। और जो आपके मदरसों में खत्म बुखारी की जो महफिल की जाती है ना, हर साल खत्म बुखारी की एक महफिल होती है, जश्न खत्म बुखारी, तो साहबा ने भी बहुत सारी हदीसें पढ़ी, उसको हिफ्ज किया, उसको लिखा, लेकिन साहबा ने भी कभी खत्म बुखारी के जलसे, यहाँ अब यहाँ तक ले लो कि इमाम बुखारी ने भी नहीं किया कभी खत्म बुखारी के जलसे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसी ऐसी साहबा को लेके आपके पास एक भी दलील नहीं कि साहबा ने कभी ये जलसे जुलूस निकाला। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि दलील तो ये भी नहीं है कि उन्होंने कभी अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मनाई हो या तबलीगी इज्तिमा किया हो या तबलीगी जमात में गए हो, ये भी दलील नहीं मिलती है। तबलीगी इस्तेमाल तबलीगी जमात इसकी दलील में दूंगा ना आपको, लेकिन हाँ, दे दीजिए फिर कौन से साहबा तबलीगी इस्तेमाल में गए थे और कौन सी हदीस किताब में लिखा है और कौन से साहबी ने अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मनाए थे, ये दे दो। अरे मैं उसकी दलील दूंगा ना, पहले ये तो क्लियर कर दो हजरत। तो दे दीजिए फिर। अरे पहले आप इस बात कहाँ से शुरू हुई, दे दीजिए ना, बात कहाँ से हुई थी, देखिए आप दे दीजिए, बात कहाँ से शुरू हुई थी आप दे दीजिए। अरे बात कहाँ से शुरू, आप दलील दे दीजिए, लोग सुन लेंगे यार, लोगों की इस्लाह हो जाएगी ना। आपके बस की बात नहीं, मतलब आप दलील नहीं देंगे ऐसा कह रहे हैं? आपके बस की बात नहीं, आपने खुद कहा कि मैं दलील दूंगा तो आप दीजिए। पहले बात कहाँ से शुरू हुई थी, बात कहाँ से शुरू हुई, बात जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से रिकॉर्ड हो चुकी है, आपने चैलेंज किया और इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी जाएगी तो बात सब सुन लेंगे आप, इसलिए आप दलील दे देना तो आधी अधूरी बात चले जाएगी ना यार। अरे वो तो दलील दे दो, भाग रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ पूरी बरेलिया पूरी रजाखानी को अच्छा। चैलेंज बता दो साहबा से, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि पूरी वहाबियत और पूरी देवबंदियत को चैलेंज है कि बताओ ये सब कहाँ से साबित है जो तुम कर रहे हो, सीरत नबी के जलसे कर रहे हो, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मना रहे हो, अच्छा इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, अपनी मस्जिदों को तुम 3-3, 4-4 माला ऊँचा बना रहे हो, नबी ने कभी नहीं बनाया, अपनी मस्जिद पे गुम्बद तुम बना रहे हो, नबी ने कभी अपनी मस्जिद पे गुम्बद नहीं बनाए। अच्छा, इतने बड़े बड़े तुमने मदरसे खोल डाले, नबी ने एक भी मदरसा नहीं खोला था, मस्जिद नबी में ही तालीम दिया करते थे। सुनो, मदरसे में एक बिल्डिंग रहे या दो बिल्डिंग रहे, नबी का अमल हमारे लिए क्या है, अल्लाह फरमाता है ना कि मेरे नबी का उसवा हसना तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, तो नबी ने जैसी मस्जिद बनाई। हेलो, अगर आपके पास नबी ने जैसी मस्जिद बनाई तुमको भी वैसी ही मस्जिद बनाना पड़ेगा, और अगर तुमने मस्जिद में थोड़ा भी चेंज किया तो तुमने भी बिदअत की। सहाबा से अगर आपके पास कोई दलील हो तो जरूर देना और मेरे को कॉल कर लेना, वरना मैं समझ गया आप आधी अधूरी बात करके आप अपने ही फिरके को बिदअती साबित करके भाग रहे हैं। बताइए, वो तो देख रहा है कौन बिदअती, आप अपने ही फिरके को बिदअती साबित करके भाग रहे हैं। शुरू से लेके आखिरी तक एक दलील नहीं दी है बस। अरे दलील में दलील तो हम ऐसा दलील तो हम उसको देंगे ना, सुनिए दलील उसको देंगे जिसका हर अमल कुरान और हदीस के मुताबिक होगा, उसको दलील दी जाएगी ना, जो खुद भर भर के बिदते कर रहा हो उसको दलील लेकर के फायदा क्या कि उसके खुद के अमल कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, सहाबा से नहीं, यहाँ तक मुहद्दिसीन से भी नहीं है। हेलो, मेरे को थोड़ा काम है, 5 बजे के बाद फिर आप कॉल लगाना, और अगर दलील तो ये पार्ट वन में यूट्यूब पे चढ़ा देता हूँ, पार्ट टू फिर आप जब आप अपनी बिदतों की दलील देंगे फिर वो बाद में चढ़ा। नहीं 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 नहीं, क्या दोनों पार्ट करना है? नहीं नहीं, आप ईद मिलादुन नबी की दलील देंगे कॉल लगाना, तो ही कॉल लगाना दे तो दिया मैंने कि वहीं पर मेरा टाइम बर्बाद ना, उसी हदीस में तुमको इसकी दलील मिलेगी जिस हदीस में लिखा है अहले हदीस कॉन्फ्रेंस करो, तबलीगी इज्तिमा करो, सीरत नबी के जलसे करो, खत्म बुखारी के जलसे करो, उसी हदीस के आगे वाली हदीस में मिल जाएगा मिला तो नबी मनाओ। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते फिर आप, देवखानी और वहाबी खानी क्या करेंगे बताओ ना? रजाखानी इससे ज्यादा कुछ, वही तो कह रहा हूँ, देवखानी और वहाबी खानी क्या करेंगे फिर, मतलब दलील नहीं देंगे। हसमत अली भी ऐसी करता था, तुम भी वही करो, मतलब वही तो कह रहा हूँ कि अब थानवी, नजदी, इब्ने तैमिया सब यही करेंगे।